आज मैं बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी कुकीज़ जो कि आटा और घी से बनेगा। तो यहाँ पे हम 4 चम्मच घी ले लेंगे। आप इसके जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वनस्पति घी का भी, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा बटर और घी। और इसमें हम डाल देंगे 3 चम्मच के बराबर हम चीनी डालेंगे। यहाँ पे मैं पीसी हुई चीनी ले रही हूँ, आप भी पीसी हुई चीनी लेंगे। और इस तरह से इसे हमें धीरे धीरे फेंटना है, और इस तरह फेंटना है कि एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। कम से कम 5 मिनट से हमें फुल स्पीड में इस तरह से फेंटना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी और जो घी था वो मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब यहाँ पे एक छन्नी रख देंगे हम इसमें, और एक कटोरी यहाँ पे छोटी वाली कटोरी से हम गेहूँ का आटा ले रहे हैं, जिससे हम रेहूँ जिसकी रोटी हम डेली घर पे बनाते वही वाला आटा चाहिए। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने बेसन लिया है, और 1 चम्मच इसमें हम सूजी डालेंगे यानी रवा। यहाँ पे ये बारीक वाला रवा है, और ये ऑप्शनल रवा आप आटा और बेसन का भी बना सकते हैं। यहाँ पे इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर हम ऐड करेंगे, और 1/4 हम ऐड करेंगे यानी 2 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा। और यहाँ पे हम छान लेंगे इस छन्नी के हेल्प से, ताकि जो भी इसमें गुठली टाइप के लम्स टाइप के होंगे वो अच्छे से इसमें निकल जाएंगे। तो यहाँ पे छान लिया है मैंने, और इस घी और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैं हाथ का इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि स्पैचुला से अच्छे से मिक्स नहीं होगा। और इसे हमें आटे की तरह गूंदना नहीं है, हल्के हाथों से इसे हमें बस मिक्स करना है। कोई इसका डो हमें रेडी नहीं करना है, हम दूसरे तरीके से इसे बनाएंगे आज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा जो आटा और घी है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। और इसमें हम ऐड, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आटा है वो अच्छे से रेडी हो चुका है बिस्किट बनने के लिए। तो यहाँ पे हमने मुट्ठी में इसे बांधा, तो अच्छे से बाइंड हो गया था, बंद गया था ये, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमें गोल गोल बनाना है, लेकिन उससे पहले इसमें हमें एक चीज़ और ऐड करना है। तो यहाँ पे हम गैस पे रख लेंगे एक तवा, तवा को हल्का गर्म होने देंगे, और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने जीरा और 1/2 चम्मच मैंने अजवाइन लिया। हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, तो हल्का सा रोस्ट कर लेंगे इसे हम। और यहाँ पे ये रोस्ट हो चुका है, तो इसे प्लेट में निकाल लेते हैं, और इसको हल्का सा हम क्रश करके ऐड करेंगे बिस्किट के आटे में, ताकि जो इसका टेस्ट है, जो फ्लेवर है, वो बहुत अच्छे से आएगा बिस्किट में, और बिस्किट बहुत ही अच्छे लगेगी खाने में। तो यहाँ पे मैंने आधा इसमें मिक्स किया, आप चाहे तो पूरा भी ऐड कर सकते हैं। आटे के हिसाब से आप अपना क्वांटिटी देख लीजिएगा, आपको कितना जीरा ऐड करना है उसमें। तो यहाँ पे अब हम बिस्किट बनाने का शुरू करते हैं प्रोसेस। तो यहाँ पे मुट्ठी में मैंने इस तरह से गोल पहले हम लड्डू बनाएंगे, और लड्डू बनने के बाद हल्का सा हम अंगूठे से इसे प्रेस करेंगे और चपटा करेंगे, और साइड के जो कॉर्नर है उसे हम हाथों के हेल्प से सॉफ्ट कर लेंगे, ताकि एक अच्छा शेप बन जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बना के रेडी कर लिया। इसी तरह से आप सभी बिस्किट को बनाए। अगर आपको बिस्किट का कोई दूसरा शेप देना तो वैसे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम फटाफट बिस्किट को रेडी कर लेते हैं, और इस बिस्किट को हम किसी भी ओवन में नहीं बनाने वाले हैं, गैस पर हम बनाएंगे इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी बिस्किट मैंने बना के यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो गैस पे हम रख देंगे कढ़ाई, और उसको हम प्री हीट करेंगे, मतलब 5 मिनट तक पहले उसे हम गर्म कर लेते हैं कढ़ाई को। और इस वाले प्लेट में मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, और ये प्लेट इसके ऊपर में आएगा, इसलिए हमें नीचे कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। और इसे हम कवर कर देंगे, और कम से कम इसे हमें बनने में 20 मिनट लगा है। तो यहाँ पे 20 मिनट तो बीच बीच में हमें चेक करना है। तो थोड़ा सा एक आध जो है थोड़ा सा लग गया था, बाकी जो बिस्किट है बहुत ही अच्छी बनी है। आप देख सकते हो इसका कलर वगैरह बहुत ही अच्छा आया। अभी ये थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगी दोनों तरफ से कितना अच्छा ये बना है।
बहुत ही हेल्दी है ये बिस्किट और आप अपने घर में सबको बना के दे सकते हैं, बच्चों को, बड़ों को, हर किसी को। तो यहाँ पे बिस्किट जो है ठंडा हो चुका है तो मैं इसे एक प्लेट में सजा रही हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिस्किट का कलर है काफ़ी अच्छा आया है, काफ़ी अच्छा क्रिस्पी बना है। तो दोनों साइड से आप इसका कलर देख सकते हैं कितना ही अच्छा बना है, बिल्कुल मार्केट। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।